वेलकम बैक गाइस। आइए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो सिर्फ इस ट्वीट की वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। आइए, एक संजय त्रिपाठी जी है, इन्होंने एक ट्वीट किया है और इन्होंने ट्वीट करके क्या बताया कि ओवैसी साहब को बदनाम करने वाले गोदी मीडिया कभी इसे नहीं दिखाएगी। यानी कि इससे मतलब इस तरह की मदद जो इन्होंने ये कर रहे हैं और जो इन्होंने किया है उनको नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया का काम है केवल मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाना। हैदराबाद से ओवैसी लगातार चुनाव ऐसे ही नहीं जीतते, इसका काम बोलता है। सभी वर्गों का ख्याल रखते हैं, शायद इस्लाम भी यही सिखाता है। ये हमारे एक हिंदू भाई संजय त्रिपाठी जी है, उनका ही ये ट्वीट है और इन्होंने ये तब किया जब ये इनके कामों से काफ़ी ज़्यादा मुतासर और प्रभावित हुआ। तब आइए हम लोग इनके कामों की एक झलक देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मीडिया है इनके स्पीच या कुछ ऐसा अल्फाजों को खूब दिखाते हैं, लेकिन जब ये अच्छे काम करते हैं तो इनके कामों को नहीं दिखाया जाता। लोगों के अंदर ये पहचान नहीं बताई जाती कि नहीं, ये जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा ये काम भी करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इनके काम के ऊपर एक झलक देख लेते हैं। अभी फिलहाल जो है रमज़ान का महीना स्टार्ट हो रहा है और इन्होंने अनाउंस किया है कि रमज़ान के अंदर एक भी लोग किसी भी तरह के जो भी मोहताज मंद हो उसकी सारे के सारे जो ज़रूरत है वो पूरी होने चाहिए, ये एमआई ने अनाउंस किया है। इसके साथ 4,000 से भी ज़्यादा राशन किट जो है वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, पूरे हैदराबाद के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा आप मैंने बताया था एक वीडियो के अंदर किस तरह से लगभग 80 के आसपास होटल खोले गए हैं, इस तरह से 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ फिक्स कर दिया गया है कि पर डे जो है यहीं से ही भोजन और राशन जाएगा। इससे अलावा पहले भी इन्होंने क्या मदद किया था, आइए एक झलक उस पर देख लेते हैं। 4 करोड़ से भी ज्यादा मदद की थी तब जब केरल के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जब है यहाँ पर एक फ्लड आया था, एक बाढ़ आया था और उसकी इफेक्टेड लोगों को 10 लाख पर ईच को इन्होंने वहाँ पर डोनेट किया था। इसके अलावा उत्तराखंड में जब बाढ़ आया था तो उस टाइम लगभग 79 लाख रुपए जो है ये वहाँ के विक्टिम्स जो थे, जो भी पीड़ित लोग थे उत्तराखंड के अंदर, उनको वहाँ पर इन्होंने उनकी इस पैसे से उनकी मदद की थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार के अंदर जब बाढ़ आया था तो वहाँ पर पैसों से और दवाइयों से वहाँ के लोगों को जो है इन्होंने मदद की थी और हेल्प किया था। जबकि ये ऐसा नहीं, उस टाइम बिहार के अंदर एक भी सीट नहीं था, उत्तराखंड के अंदर एक भी सीट नहीं है, केरल के अंदर एक भी सीट नहीं है, लेकिन फिर भी ये हर जगह पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जब 2018 के अंदर फिर से बाढ़ आया तो वहाँ पर इन्होंने आप देख सकते हैं कि 16 लाख और फिर ये 10 लाख, इस तरह से लोगों की मदद किया। इसके अलावा जब दिल्ली के अंदर हादसा हुआ जो कि वायलेंस का नाम दिया गया हिंदू मुस्लिम का जो भी है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि MP MLA ने 1 महीने का जो अपना सैलरी वहाँ के विक्टिम्स को डोनेट किया और इसके अलावा वहाँ पर दवाइयाँ वगैरह इन वहाँ पर उनका दवाइयों वगैरह से उन्होंने वहाँ पर मदद की। तो इस तरह से ये लगातार काम करते रहते हैं, जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है, चाहे वहाँ पर इनका MLA MP हो या ना हो, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन मीडिया इनको इतना कवर नहीं देती है, मीडिया इतना हाईलाइट नहीं करती है, इसी वजह से इनकी नफरत वाली स्पीच को ज़्यादा हाईलाइट करती है और इनके इस जैसे कामों को मीडिया इनको नहीं हाईलाइट करती है, जिससे लोगों का जो एक अंदर जो एक इमेज बनता है कि बस यही बनता है कि भड़काऊ भाषण देते हैं, सियासत नफरत की सियासत करते हैं, लेकिन जब बात काम की आती है तो उस काम को यहाँ पर हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, लोगों को ये काम लोगों तक ही नहीं पहुँच पाता है। तो ये था दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।